हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, मैं अपना बाइक को थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। और आज का जो मॉडिफिकेशन होगा वो ये होगा गाइस, पहले तो व्हील कवर लगेगा दोनों व्हील पे। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ग्लोसी पार्ट है ना गाइस, इसको भी मैं रैप करा दूँगा। और बाकी मोटोब्लॉग सेटअप पर मिलते हैं आप लोग से। तो अभी फ़िलहाल का पहला काम है वॉश कराना, क्योंकि गाइस बहुत दिन हो गया मैंने वॉश नहीं किया अपना बाइक को, टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए अभी फ़िलहाल पहले इसको जल्द से वॉश कराते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं। ना शैम्पू मारिया दो ना, फॉर्म नहीं, खाली फॉर्म नहीं, शैम्पू नहीं, नहीं खाली फॉर्म नहीं, मारी दो फॉर्म। चलो तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना फिदा तो नहा चुका है और नहा के पूरा एकदम दुल्हन की तरह लग रहा है। लेकिन और एक दिक्कत आ गया कि उस पर ना जो मैंने ग्राफिक्स का काम कराया था कुछ कुछ जगहों पे वो उखड़ के आ गया, तो ठीक है, वो सब उसने भी बोल के दिया था, क्योंकि उसने जब काम किया था ना तो रात के टाइम काम किया था और ठंड का मौसम है, इसीलिए मॉइस्चर की वजह से वो सब ना ऐसे चिपक के नहीं बैठता है। तो उसने बोला था अगर धूप में कराओगे तो अच्छा रहेगा, तो लेकिन मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे कराना है तो कराना है, आज ही कराना है, तो इसीलिए मैंने करवा दिया था। आज फिलहाल मैं धूप में जा रहा हूँ, ये सब जो जो उखड़ के आ गया उसको फिर से ठीक करेंगे। और अपना रिम्स पे तो रिम्स कवर लगाएंगे ही लगाएंगे गाइस, और रिम्स कवर पे भी थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का काम करेंगे, देखते हैं जाके क्या करते हैं। भाई सब काम तो हो गया, अभी सिर्फ ये लगाना बाकी है व्हील कवर, और इस पर थोड़ा ग्राफिक का काम कराना है, वो काम अभी चल रहा है, यहाँ पे कटिंग चल रहा है। और बाकी बाइक का जो काम किया आज वो थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको काटने देते हैं और बाहर चलते हैं और देखते हैं बाइक का क्या काम हुआ है। आज ना ये सब किया हुआ है और यहाँ पे भी बेजिंग किया है और इस साइड पे भी बेजिंग किया हुआ है, अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो और यहाँ पे यूट्यूब का लोगो, और यहाँ पे एक स्ट्रेप लगाया गया है, और यहाँ पे पहाड़, भाई पहाड़ी बॉय। और पीछे के साइड में ये काम किया हुआ है गाइस, ये छोड़ दिया था उस दिन, तो ये किया है और ये किया हुआ है, और टेल लाइट है इस पर भी थोड़ा काम किया हुआ है। ये फ़िलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी रात को देखते हैं कैसा लुक आता है, अगर अच्छा लुक आएगा तो रखेंगे, नहीं तो इसको उखाड़ देंगे। और बाकी तो और कुछ नहीं, सिर्फ अभी रिम्स कवर लगाना बाकी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ हो चुका है और अभी फ़िलहाल ये जो यहाँ पे नट लगा हुआ है इसको काट रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बाहर आ गया तो इसको काटना पड़ेगा, और बाकी सब एकदम कंप्लीट है गाइस। और ये जो ब्लॉग है मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाइस बेड लाइट हो चुका है, बट कल मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा और एक सुंदर सा जगह पर, और जाके आप लोगों को पूरा डिटेल से दिखाऊँगा क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है अपने बाइक पे। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय डे। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।